तो गाइस आप लोगों ने कभी ना कभी ये तो सोचा ही होगा कि यार हम इतना ज़्यादा पैसा खर्च करके अच्छा फ़ोन खरीदते हैं लेकिन हमें फिर भी बैटरी बैकअप जो है उसका अच्छा नहीं मिलता है। मैं आप लोगों को एक यूनिवर्सल ट्रूथ बता देता हूँ गाइस कि कितना भी महंगा फ़ोन क्यों ना हो, चाहे वो एप्पल का फ़ोन हो या फिर सैमसंग का फ़ोन हो, हमें उसकी बैटरी बैकअप जो है वो कुछ महीनों बाद कम होती हुई दिख जाती है, ड्रेन होने लगती है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये जो रीज़न है मुझे काफ़ी बुरा लगा है क्योंकि हम इतने ज़्यादा पैसे लगाते हैं फिर भी हमें बैटरी बैकअप अच्छा नहीं मिलता है। तो मैं आप लोगों को अगर कंपेयर करूँ पुराने दिनों की, लाइक ओल्ड डेज में आपको जो फ़ोन्स मिलते थे जैसे नोकिया 3310 की बात करूँ, उस फ़ोन को अगर आप अभी भी पूरी तरीके से चार्ज करके यूज़ करें तो वो आपको कम से कम 2-3 दिन का बैटरी बैकअप आराम से दे देगा। आई नो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार पहले के फ़ोन अभी के टाइम के फीचर्स हमें प्रोवाइड नहीं करता है। आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, लेकिन गाइस अभी के टाइम की जो फ़ोन की बैटरी है वो कम से कम 4 से 5 हज़ार mAh तक की मिल रही है। पहले जो फ़ोन होते थे वो 100-150 mAh तक के ही मिलते थे, फिर भी हमें इतना अच्छा बैकअप देते थे। तो अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते, लाइक कंपनीज को जाके केस नहीं कर सकते कि यार हमने इतने पैसे लगाए हमारी बैटरी अच्छी नहीं चल रही है। तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी सिंपल इजी स्टेप्स लेकर आया हूँ। अगर आप इस स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप अपनी बैटरी बैकअप को जो है बढ़ा सकते हो, अपनी बैटरी लाइफ को बढ़ा सकते हो। तो गाइस आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को ध्यान से देखना है और हर एक टिप्स को फॉलो करना है जिसके कारण आपकी बैटरी बैकअप अच्छी खासी हो जाएगी। तो गाइस बिना किसी टाइम वेस्ट के इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो गाइस मेरा नाम है नमन, आप देख रहे हैं techplusgadgets.com, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बात कर लेते हैं हमारी पहली टिप की, तो ये हमें मिल जाती है हमारे फ़ोन की बैटरी की लाइफ साइकिल के ऊपर। हर एक फ़ोन की जो बैटरी होती है उसका एक पर्टिकुलर लाइफ साइकिल होता है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि किस तरीके का होता है। अगर आप अपने फ़ोन को 0% से लेके 100% तक चार्ज करते हैं, वो भी एक बार में एक साथ चार्ज करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने फ़ोन की एक लाइफ साइकिल को यूज़ कर रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर आप उसके 100 लाइफ साइकिल को यूज़ कर लेते हैं तो आपके फ़ोन की जो बैटरी बैकअप है वो 10 से 15% तक जो है ड्रेन हो जाती है, कम हो जाती है। तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा सजेशन दूंगा, जब भी आप अपना फ़ोन चार्ज कर रहे हैं तो उसको आप एक साथ चार्ज मत करिए, 100 से 50-60% तक चार्ज कर लीजिए, उसके बाद थोड़ा रुकिए, उसके बाद फिर से चार्ज करिए। इस तरीके से अगर आप चार्ज करते तो आपका पूरा लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट नहीं होगा और आपकी जो बैटरी बैकअप है वो अच्छी खासी रहेगी और बैटरी लाइफ जो है वो बढ़ जाएगी। तो अगला जो टिप है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लगा है। अगर आपके फ़ोन में डार्क मोड इनेबल करने का ऑप्शन है तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप उसको इनेबल कर लीजिए, क्योंकि वो आपकी बैटरी को बहुत अच्छे तरीके से बचा सकता है। अगर मैं बात करूँ कि गूगल जो है अभी के टाइम पे डार्क मोड पे बहुत ज़्यादा फोकस होकर काम कर रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट उनकी जो एप्लीकेशन है वो ऑलमोस्ट डार्क मोड सपोर्ट करने लगी है, तो उनका ये रीज़न नहीं है कि बहुत ज़्यादा कूल लगते हैं, इसलिए उनका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है बैटरी लाइफ को बचाना। क्योंकि अगर आपका जो वॉलपेपर है या फिर आपकी थीम है ब्लैक कलर की होती है तो आपकी बैटरी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो अगर आपका फ़ोन डार्क मोड को सपोर्ट नहीं भी करता है तो आप जो है नोवा लॉन्चर तरीके जो लॉन्चर्स होते हैं, बहुत सारे लॉन्चर्स प्रोवाइड ऑलरेडी अवेलेबल हैं जो डार्क थीम को सपोर्ट करते हैं, तो आप उसको इनेबल कर सकते हैं अपने फ़ोन में या फिर डार्क कलर का जो है वॉलपेपर यूज़ करके अपने फ़ोन की बैटरी लाइफ को बचा सकते हैं। अगली टिप बताने से पहले, ये जो चीज़ है वो अभी भी बहुत सारे लोग अपने फ़ोन के साथ करते हैं, मैं भी करता था लेकिन जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मैंने करना छोड़ दिया, वो ये है कि आप अपने फ़ोन की बैटरी को 0% तक मत आने दीजिए, उसको पहले ही चार्ज कर लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आपका फ़ोन 0% आ जाता है तो आपके फ़ोन की बैटरी जो है वो पूरी तरीके से डेड हो जाती है, फिर उसके बाद वो फिर से चार्ज होती है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप अपने फ़ोन की बैटरी को हमेशा अबव 20% रखें और बिलो 90% रखें। अगर आप अपने फ़ोन को 20 से 90% के बीच में रखते हैं तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपके फ़ोन की जो बैटरी लाइफ है हमेशा वैसी की वैसी रहेगी, अच्छी रहेगी, और जो है बैटरी बैकअप भी आपको बहुत बढ़िया सा मिलेगा। तो गाइस प्लीज़ फॉलो करिए इस टिप को बैटरी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए। तो गाइस अगर आप अपने फ़ोन को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और यूज़ करते करते अगर आपका फ़ोन बहुत गर्म हो जाता है तो मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा कि आप उतने देर के लिए अपने फ़ोन को रख दीजिए, अपने फ़ोन को जो है स्टेबल होने दीजिए, स्टेबल टेम्परेचर पे आने दीजिए। क्योंकि अगर आपका फ़ोन गर्म होता है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो आपकी बैटरी पे जो है आपके फ़ोन की बैटरी पे स्ट्रेस पड़ेगा, जिसके कारण बैटरी बैकअप और बैटरी लाइफ जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो स्टेबल टेम्परेचर पे जो है अपने फ़ोन को यूज़ करिए, जिसके कारण आपकी बैटरी जो है वो अच्छी चले और आपको अच्छा खासा बैकअप दे।
तो अगला टिप जो मैं आपको बताऊंगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होने वाला है। तो गाइज अगर आप फेसबुक एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं तो उसको अभी के अभी अनइंस्टॉल कर दीजिए अगर आप अपने बैटरी बैकअप को अच्छा बनाना चाहते हैं। वो इसलिए क्योंकि फेसबुक ऐसी एप्लीकेशन है जो आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा लेती है। अगर आप ड्रेनेज सेटिंग्स में जाके अपनी बैटरी को देखेंगे कि कौन सी एप्लीकेशन है जो सबसे ज़्यादा बैटरी लेती है तो फेसबुक सबसे नंबर वन पे आएगी। तो गाइज सबसे पहले इसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। अगर आप इसको अनइंस्टॉल नहीं करना चाहते हैं तो स्ट्रिक्टली इसकी सारी परमिशन को डिसेबल कर दीजिए। सिर्फ इतना रखिए कि आप ऐप में जाए, आप फेसबुक चलाएं, दैट्स इट, सिर्फ इतना ही रखिए। और सबसे अच्छा सजेशन तो मैं आप लोगों को ये दूंगा कि अगर आप फेसबुक चलाना चाहते हो अपने फ़ोन में तो अपने ब्राउज़र में चलाइए, क्योंकि ब्राउज़र में अगर आप चलाते हैं तो आपकी बैटरी उतनी नहीं जाती है, क्योंकि आप ब्राउज़र को जो है क्लोज़ कर सकते हैं, लेकिन फेसबुक एप्लीकेशन क्लोज़ होने के बाद भी बैकग्राउंड प्रोसेस करता रहता है जिसके कारण आपकी बैटरी लाइफ पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो गाइस अगली टिप उन लोगों के लिए है जो अपने फ़ोन की ब्राइटनेस को 100% पे रखना पसंद करते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आपका डिस्प्ले है वो सबसे ज़्यादा बैटरी को ऑब्जर्व करता है, तो इसलिए जो है आप अपने ब्राइटनेस को उतना ही रखिए जितना आपको लगता है। और आपको जो है वो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस का भी मैं सजेशन नहीं देता हूँ, वो इसलिए क्योंकि वो जो है आपके सेंसर को यूज़ करता है, उस हिसाब से आपके ब्राइटनेस को एडजस्ट करता है। तो गाइस आप मैन्युअली अपने ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करिए, और अगर आप ऐसा करते हैं तो कोई भी सेंसर यूज़ नहीं होगा और कम ब्राइटनेस भी होगा जिसके कारण आपकी बैटरी लाइफ जो है वो अच्छी चलेगी और आपको अच्छा खासा बैकअप जो है मिल जाएगा। तो अगली टिप मैं आप लोगों को आपके फ़ोन चार्जर से रिलेटेड बता देता हूँ। तो आप अगर अपने फ़ोन को चार्ज कर रहे हैं तो अपने ही फ़ोन चार्जर से चार्ज करिए, किसी दूसरे के फ़ोन चार्जर को यूज़ मत करिए, क्योंकि अगर आप दूसरा फ़ोन चार्ज यूज़ करते हैं तो आपकी बैटरी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। फिर हर एक बैटरी का एक पर्टिकुलर चार्जर होता है, अगर वो दोनों सिंक्रोनाइज करके चलते हैं तो आपकी बैटरी लाइफ अच्छी चलती है। अगर आप दूसरे का चार्जर यूज़ करते हैं अपने फ़ोन में तो आपकी बैटरी बैकअप जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो गाइस प्लीज़ अपना ही चार्जर जो है यूज़ करिए और अपने फ़ोन को चार्ज करिए। तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट लास्ट टिप की। तो गाइस ये होने वाला है स्क्रीन टाइम आउट से रिलेटेड। तो मेरा एक सजेशन ये है कि आप हमेशा अपने फ़ोन का जो स्क्रीन टाइम आउट है वो काफ़ी कम रखें, लाइक 1-2 सेकंड का रखें। जैसे ही आप अपने फ़ोन को यूज़ करते हैं उसके बाद जैसे ही रखते हैं आपका स्क्रीन जो है वो बंद हो जाना चाहिए, इतना ही सिर्फ टाइम आउट रखिए ताकि आपकी बैटरी जो है बच सके और आपकी बैटरी लाइफ जो है वो अच्छी तरीके से आगे चल सके। तो गाइज ये थे कुछ ऐसे टिप्स जिनको अगर आप यूज़ करते हो तो आपके फ़ोन की बैटरी बैकअप आपको अच्छा मिल जाएगा, उसके साथ साथ आपकी फ़ोन की बैटरी लाइफ जो है वो भी अच्छी खासी लंबी हो जाएगी। तो गाइज इस वीडियो पे प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिए ताकि ऐसी वीडियो जो है वो मैं आप तक लेकर आता रहूँ। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।